Welcome to my YouTube channel, The Hope 706. Please subscribe the channel and click the bell icon so that you can watch my next video. Yes, students, lecture number 4. आज हमारे पास one act play B English third year का है. Plays की series में चूंकि चार ही play थे, तो इसका last lecture जो है आज हमारे पास है जी smoke screen धुएं के बादल. तो it is you know about a generation gap by Harold Bridgehouse का ये प्ले है कि जनरेशन गैप है. तो जनरेशन गैप ये नहीं कि बहुत ज्यादा जो है वो डिस्टेंस है जो एजेस का, नो, देयर इज यू नो वेरी माइनर डिस्टेंस, बट एक जो है वो थोड़ा एल्डर एज और यंग एज, जो यंग लोग हैं, मॉडर्न लोग हैं, उनकी तरह सोच थोड़ी और है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर यू नो द कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्ले एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट यू नो द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. इसमें सबसे पहले जो सूजन है, आंट सूजन, प्राइमरोज की आंट है एंड शी इज अ कंजर्वेटिव एंड रिजर्व वुमन. नंबर टू लूसी, मदर ऑफ प्राइमरोज एंड सिस्टर ऑफ सूजन एंड शी इज अ डिवोर्स्ड वुमन. ठीक है. नंबर थ्री पे जी प्राइमरोज, प्राइमरोज वॉज अ हीरोइन ऑफ दिस प्ले एज वेल एंड शी इज अ लिबरल टाइप ऑफ गर्ल and she is very young, she is running a business of taxi cab. Number 4 pe John, ugliest John, to whom Primrose wants to get married and he is a footballer, he is also a negro. Number 5 pe jo hamare paas ki Clarice, friend of Primrose. Ye to hamare paas students aaj lectures the, practice the. Ab hum iske important points jo hai wo discuss karte hain. Number 1 pe Lucy was a divorced woman एंड लिविंग अ हैप्पी लाइफ विद हर डॉटर प्राइमरोज. ये बहुत जो है ना जो चार्मिंग और हैंडसम होता है इसका बाप प्राइमरोज का, उससे शादी करती है और बड़ी खुश होती है, लेकिन वो ऑब्वियसली शी इज चेजिंग अनदर गर्ल, तो वो उसको जो है ना डिसीव दे देता है, धोखा दे देता है. नंबर 2 पे सो दैट्स व्हाई प्राइमरोज हेटेड टू हर फादर एज वेल. नंबर 2 प्राइमरोज बिकम्स अ लिबरल एंड शी रिमेन्स आउट ऑफ द हाउस लेट एट नाइट. रात को लेट के घर वापस आती है या आती नहीं है, सही से रात बाहर रहती है, एनर्जीज एंड ड्रिंकिंग करती है, डांसिंग एंड स्मोक सिगरेट पीती है, डांसिंग करती है, और जो इसकी आंट होती है सूजन वो इसको मना करती है और अपनी बहन को भी कहती है कि रात को इस तरह लड़कियों को बाहर जाना ठीक नहीं है. तो वो उसको खुद मना नहीं करती, वो कहती कोई बात नहीं, खैर है, उसको सारा पता है ये आज की औरत है. नंबर 3 में सूजन प्राइमरोज आंट हाइड्स हर पर्स, she does not allow her to go out. उसका जो पर्स छुपा लेती है ताकि ये भाई ना जाए और इसको मिले ना, तो वो फिर भी ढूंढ लेती है, जाती वो फिर भी है. नंबर 4 पे क्लैरिस कम्स टू रिवील अ सीक्रेट दैट, उनके घर क्लैरिस आती है जो उसकी फ्रेंड होती है. प्राइमरोज इज डूइंग अ मैरी विद अगली जॉन. अगली का वर्ड यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, अगली जॉन या अगली जॉन जो है वो वर्ड यूज होगा प्ले के अंदर. बदसूरत है चूंकि वो नेग्रो है, इसलिए अब वो अगली जॉन से, अगली से क्यों शादी करना चाहती है, वो इसलिए करना चाहती है, वो समझती है कि जो चार्मिंग हैंडसम लोग होते हैं वो धोखा दे देते हैं. अगली जो होगा बंदा वो जाहिर है किसी और औरत के पीछे नहीं जाएगा, वो उसको धोखा नहीं देगा. नंबर 5 की प्राइमरोज मदर लूसी ट्राइज टू मेक हर अंडरस्टैंड, उसको समझाने की बहुत कोशिश करती है दैट जॉन इज नॉट अ परफेक्ट मैच फॉर हर, कि वो परफेक्ट मैच नहीं है, वो उसके साथ खड़ी हुई अच्छी भी लगेगी, ये है वो है, बट शी डज नॉट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हर मदर्स टॉक. नंबर 6 पे दी शी वुड किल जॉन इफ ही विल नॉट बी काइंड टू हर डॉटर. वो कहती है, धमकी देती है, उसको थ्रेट करती है, अगर जॉन ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो मैं जॉन को जो है वो मार दूंगी. ये स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 4 आज हमारा प्लेस भी अलहमदुलिल्लाह खत्म हो गई, शॉर्ट स्टोरी खत्म हो गई. अब हम मूव करें बी इंग्लिश थर्ड ईयर की पोएट्री की तरफ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में. उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.